माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस होली के पर्व पर सभी के सभी भाइयों ने सभी क्षेत्रवासियों ने मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अपने घर परिवार और सुख शांति रहे, पूरे हर घर घर में रोशनी हो, हर घर घर में एक हंसता खेलता परिवार रहे और शानदार तरीके से नया साल, होली का जो नया साल है वो आगे का बहुत शानदार तरीके से गुजरे, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। रही चुनाव की बात, अभी हमारे 9 महीने हैं, 9-10 महीने हैं, 9-10 महीने में और पब्लिक का मेरा तो 16 साल से बहुत प्रेम, उत्साह, जोश और जो मेरे साथ सहयोग रहा, मैं उसके लिए तहे दिल से होली के पर्व पर बहुत बहुत उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और आने वाले टाइम में सब ठीक होगा, बढ़िया शानदार तरीके से होगा। आज होली का पर्व है, मेरे को किसी के आज कहते हैं ना, किसी का दुश्मन भी होता है या कुछ भी होता है, उसको भी आज गले लगाने का काम है। तो आज ऐसा कोई काम ना हो, मैं ऐसी कोई बात ना बोलूं जिससे किसी को आज होली के टाइम पे दुख हो, तो बहुत शानदार। चुनाव की बात है, अभी बहुत टाइम पड़ा, मैं चुनाव की उसमें आपके बीच में हूं और आपके बीच में रहूंगा जी। दो बार थे चुनाव लड़ो और फिर गैप दे दियो, तो अब आने वाला जो टाइम है, एक मायने कि कोई पार्टी से चुनाव लड़ेगा या फिर कोई दूसरे तरीके? देखो ऐसा है, गैप क्या पार्टी के साथ था मैं और अभी भी हूँ, और पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ रहा हूँ। पार्टी भी अब हमारे बारे में भी सोचेगी, ऐसी बात नहीं है, और सही काम होगा और चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और शानदार तरीके से पब्लिक की सेवा करेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए, और इन जन सेवा की है, जन सेवा करूंगा जी। ये मैं आपसे कहना, तो चुनाव लेके आपने क्या रणनीति रहेगी साहब? चुनाव की रणनीति तो अभी बहुत टाइम है, बन जाएगी रणनीति में कौन सी, बढ़िया शानदार तरीके से बनाएंगे और काम करेंगे। आप अगर गुज्जर समाज ने एक नजर देखा तो क्या लगा, कतोक सपोर्ट है अपन गुज्जर समाज? भाई साहब ये तो इनकी राजनीति थी, आज मैं कोई, मैंने पहले कहा आपको कि आज मैं कोई शब्द ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे किसी को ठेस पहुंचे। गुजर समाज और मेरे साथ, गुजर समाज नहीं, 36 बिरादरी साथ रही है। यार एक बात बताओ, गुजर समाज तो कितना था उस टाइम जब मैंने चुनाव लड़ा, 18,000 था, मेरे को तो 33,000 वोट लोगों ने दी है, तो सारे गुजर समाज की थोड़ी ना पड़ी है, तो हर बिरादरी के, 36 बिरादरी के लिए। और मैं कोई गुजर समाज के लिए स्पेशल नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं 36 बिरादरी के लिए काम किया, 36 बिरादरी के लिए काम करता हूँ, और हर बिरादरी का प्रेम है और हर बिरादरी के लिए ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे साथ जो मेरा कार्यकर्ता हर समाज से है और अपने भाइयों की तरह, भाइयों से बढ़ के प्यार देता हूँ मेरे कार्यकर्ता में और दूसरे के नेताओं के कार्यकर्ताओं में, फर्क देख लेना, सिर्फ यही एक फर्क है। मेरे साथ जो लोग हैं भले ही संख्या कम हो सकती है पर वो दिल से हैं और साफ सुथरी ईमानदारी से हैं। तो इस बार जो चुनाव होगा तो एक मायने उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र का जीता भी लोग बजा समझ लेंगे कन्फर्म कि रविंदर जी बटाणा साहब चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो फाइनल ही है, चुनाव में कौन सी दिक्कत है, फाइनल ही है, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे जी सर। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है, और आज नहीं देंगे टेंशन, टाइम टेंशन देने के लिए और दिन बहुत है, आज त्योहार है, स्नेह मिलन है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि कल हमारा यहाँ फार्म हाउस से स्नेह मिलन रहेगा होली का, सब भाइयों को बहुत बहुत बधाई देंगे, सबको स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, प्यार देंगे और शानदार तरीके से, पूरा शानदार तरीके से साल निकलेगा और अगली साल और जबल डबल जोश से होली मिलाएंगे, होली मिलन का स्नेह मिलन होगा। आप उसमें, मैं एक साल पहले आपको एडवांस बधाई देता हूँ कि आप जरूर आना।